वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी मटेरियल। तो गाइस आज हम लोग एक वैकेंसी को लेके आए हैं जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी की गई है, जो कि राउरकेला स्टील प्लांट कंपनी के द्वारा वैकेंसी आई हुई है। तो ये वैकेंसी को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस और पे स्केल और जो डेट है और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो वैकेंसी है ये आईटीआई टेक्निकल वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो ये जो इसका डेट की बात करें तो ये जो वैकेंसी है ये 29 अगस्त 2022 को निकल के आई हुई है, जो कि राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला उड़ीसा की तरफ से आई हुई है। तो इसमें जो डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर की सेफ्टी में जो पोस्ट है उसके 8 वैकेंसी दी गई है, जो कि एससी के लिए यहाँ 1 है, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 2 है, यूआर के लिए 5 है। तो यहाँ देख सकते हैं जो दूसरा नॉन एक्जीक्यूटिव में जो पोस्ट है वो ऑपरेटर कम टेक्निकल बॉयलर ऑपरेटर में 39 वैकेंसी दी गई है, जो कि इस कैटेगरीज वाइज डिवाइड की गई है। और माइनिंग फोरमैन में 24 वैकेंसी दी गई है और माइनिंग मेट में 55 वैकेंसी और फायर ऑपरेटर ट्रेनी में 25 वैकेंसी दी गई है। और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी में 36 वैकेंसीज यहाँ दी गई है और अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनी एचएमबी में 30 वैकेंसी दी गई है, जो कि इस कैटेगरीज बाय डिवाइड की गई है। और यहाँ नीचे देखेंगे तो पोस्ट डिसिप्लिन ट्रेड में ऑपरेशन कम टेक्निकल ट्रेनी में मैकेनिकल से 15 वैकेंसीज दी गई है, जो कि इस कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। और मेटलर्जी में 15 वैकेंसी दी गई है, इलेक्ट्रिकल में 40 वैकेंसी, सिविल में 5 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 5 वैकेंसी दी गई है। और अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनी, जो कि आईटीआई वालों की बात करें आईटीआई टेक्निकल से, तो फिटर ट्रेड की जो है 9 वैकेंसी दी गई है, इलेक्ट्रिशियन की 10 वैकेंसी और मैकेनिस्ट की 12 वैकेंसी दी गई है, जो कि इस कैटेगरी बाय डिवाइस है आप लोग देख सकते हैं। तो ये था कि कौन से कैटेगरी में आपका कितने वैकेंसी दी गई है। तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या दिया गया है और बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जो आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो जो यहाँ असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें आपका जो एज का है वो 18 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें जो क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस जो दी गई है वो बीई या बीटेक फुल टाइम होने चाहिए इन एनी ब्रांच, मतलब किसी भी ब्रांच से आप बीई या बीटेक होने चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फैक्ट्री फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 ईयर्स आफ्टर एक्वायरिंग डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो आपका कोई 2 साल से कम की एक्सपीरियंस नहीं होनी चाहिए किसी भी फैक्ट्री में वर्किंग डिग्री इंजीनियरिंग में, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास पीजी डिग्री या तो डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी देखो नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट की डिग्री होनी चाहिए या तो हैज एडजस्टिव नॉलेज इन ओडिया लैंग्वेज, और ओडिया लैंग्वेज का इसमें आपका पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और ऑपरेशन कम टेक्निकल बॉयलर ऑपरेशन की बात करें तो इसका भी एज जो दिया गया है वो 18 से 30 ईयर्स के बीच होने चाहिए। और मैट्रिकिशियन मतलब कि आपका 10th पास होना चाहिए विथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी भी आपके पास होनी चाहिए। और माइनिंग फोरमैन की बात करें तो इसमें जो आपका एज है वो 18 साल से 28 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन मैट्रिकिशियन मतलब कि 10th विथ 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा माइनिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कंपेटेंसी, मतलब 1 साल की एक्सपीरियंस
आपको माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। और यहाँ सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर में आपका 18 साल से 28 साल के बीच आपका एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन में मैट्रिकिशियन मतलब कि 10th पास होने चाहिए विथ फुल टाइम डिप्लोमा 3 साल का आपके पास होनी चाहिए और 1 साल के एक्सपीरियंस चाहिए। माइनिंग सर्वेयर सर्टिफिकेट की 1 साल की आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और ऑपरेटर कम टेक्निकल ट्रेनिंग में बात करें तो इसका भी एज लिमिट 18 साल से 28 साल के बीच दी गई है और क्वालिफिकेशन में इसमें मैट्रिकिशियन मतलब कि आप 10th पास होने चाहिए प्लस आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस होने चाहिए जो कि आपका किसी भी ट्रेड से हो सकती है, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नो कम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट किसी भी ट्रेड से। और फायर ऑपरेटर की बात करें, फायर ऑपरेटर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें भी आपका एज लिमिट 18 साल से 28 ईयर्स होनी चाहिए और इसका जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम आप कहीं से भी ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए प्लस आपके या तो आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होनी चाहिए प्लस आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी मोटर्स वेहिकल मतलब कि आपका पास हैवी मोटर्स की वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए। और फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें आपका एज लिमिट है 18 साल से 28 साल के बीच और इसमें जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिकिशियन विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मतलब कि 10th पास होना चाहिए विथ उसके बाद आपके पास 10th पास के बाद आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि हैवी मोटर्स का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है जो कि आफ्टर मैट्रिकिशियन इन ड्राइविंग ऑफ रिलेवेंट हैवी मोटर व्हीकल मतलब कि मैट्रिक पास होने के बाद आपका 1 साल का हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। और माइनिंग मेट की बात करें तो इसमें जो 18 साल से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए मैट्रिकिशियन विथ वैलिड माइंस मेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए मतलब कि 10th पास के साथ साथ आपके पास वैलिड माइंस मेट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 1 साल की एक्सपीरियंस आपके पास होनी चाहिए माइंस मेट सर्टिफिकेट की। और अटेंडेड ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें भी 18 साल से 28 साल के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए मैट्रिकिशियन विथ ITI। देखिए ये ITI वालों के लिए तो मैट्रिकिशियन विथ ITI फुल टाइम इन द रिवेलेंटेड ट्रेड ऑफ हीटर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक तो आपके पास कुछ नहीं, इसमें आपके पास सिर्फ मैट्रिक्स मतलब 10th पास आप होने चाहिए और ITI का कोई भी फुल टाइम का ट्रेड से आप किए हुए हैं ITI तो जैसे कि फीटर इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक की यहाँ पोस्ट है तो इन तीनों में से आप किसी भी ITI किसी भी ट्रेड में आप ITI किए हुए तो बस आपके पास 10th पास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए प्लस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए बस आप एलिजिबल हो जाएंगे क्वालिफिकेशन में। और अटेंडेड कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMB में आपका 18 साल से 28 साल की होनी चाहिए प्लस मैट्रिकिशियन विथ वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग मतलब कि आप 10th पास होने चाहिए प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट लाइसेंस या तो विथ 1 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर मैट्रिकिशियन के बाद ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल्स के होनी चाहिए। तो ये थे आपका एज एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एज क्वालिफिकेशंस की बात। तो आगे हम लोग एज रिलैक्सेशन में देखेंगे कि आपका एज रिलैक्सेशन कितना दिया जा रहा है। तो द मैक्सिमम एज इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर पोस्ट रिवर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स एंड बाय 3 ईयर्स फॉर पोस्ट रिसर्व्ड ऑफ OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। तो आपका जो एज में 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा पोस्ट जो SC ST कैंडिडेट्स को और 3 साल का OBC कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। और एमोल्यूमेंट्स एंड अदर बेनिफिट्स की बात करें मतलब पे स्केल की आपकी बात करें और एक्सिक्यूटिव पोस्ट में आपका असिस्टेंट मैनेजर में जो आपका स्केल पे होने वाली है मतलब कि पे स्केल होने वाला वो 50,000 से 1,60,000 के बीच होने वाली है जिसमें आपका 3% करके बढ़ते रहेगी 50,000 से 3% करके बढ़ते रहेगी वो 1,60,000 के बीच आपका पे स्केल होने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी पे स्केल इसमें दी जा रही है। और फॉर नॉन एक्जीक्यूटिव पोस्ट में जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर
माइनिंग फोरमैन सर्वेयर के लिए जो पे स्केल है वो 26,600 से 38,920 रुपए होने वाली है, जो कि 26,600 से 3% करके बढ़ने वाली है। तो इसका भी पे स्केल बहुत ही अच्छी है। और माइनिंग मेट का जो पे स्केल है वो 25,000 से 35,000 के बीच होने वाली है। और जो फायरमैन ऑपरेटर ट्रेनी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी में जो आपका 2 ईयर्स का ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें फर्स्ट ईयर में आपका 16,100 रुपये और सेकेंड ईयर में आपको 18,300 रुपये मिलने वाली है। और आपका फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMB में आपका ये भी 2 ईयर्स की ट्रेनिंग होने वाली है। इसमें आपका फर्स्ट ईयर में 12,900 रुपये और सेकेंड ईयर में 15,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। और यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन में देखते हैं क्या दिए गए। तो आपको मोड ऑफ सिलेक्शन में एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन द अपॉइंटेड डेट। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन 2 सेगमेंट एज गिवन बिलो। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होने वाली है आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे, 2 सेगमेंट के साथ होंगे। तो आपका देखिए जो पोस्ट है ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMB एंड फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी में जो टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगी उसमें से टेक्निकल नॉलेज टेस्ट की 20 क्वेश्चन होने वाली है, जो कि आपके टेक्निकल के क्वेश्चंस होने वाली है। और जनरल एपीटी टेस्ट मतलब कि जनरल नॉलेज से आपके 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो फॉर ऑल अदर ट्रेड्स जो इन ट्रेड्स को छोड़ के बाकी और अदर ट्रेड्स हैं उन सभी का टेक्निकल नॉलेज की 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ जनरल एपीटी टेस्ट में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका जो ट्रेड है उससे 50 क्वेश्चन टेक्निकल ट्रेड से पूछे जाएंगे और 50 कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो कि आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाली है, जो कि CBT एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेल की जो हाइट होने वाली है आपका मेल की 155 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और फीमेल की 143 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। और वेट जो है मेल की 45 kg मिनिमम वेट होनी चाहिए और फीमेल की 35 kg मिनिमम वेट होनी चाहिए। और जो चेस्ट मेजरमेंट में दी गई है 72 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए एंड 75 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन होनी चाहिए जो कि मेल की, और फीमेल में 75 सेंटीमीटर एंड 79 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन के साथ फीमेल की होनी चाहिए जो चेस्ट मेजरमेंट है। और बाकी की आप लोग देख सकते हैं। और फॉर नॉन एक्जीक्यूटिव पोस्ट में आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए इसमें भी वही है, मेल का 175 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 143 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। और वेट में भी 45 kg मेल की होनी चाहिए मिनिमम, 35 kg फीमेल की मिनिमम वेट होनी चाहिए। तो ये तो फिजिकल की बात कर ली हम लोग। टेस्ट सेंटर जो आपका टेस्ट का जो सेंटर लिया जाएगा वो कहाँ कहाँ लिया जाएगा, तो देखिए आपका जो टेस्ट सेंटर होने वाली है वो राउरकेला विशाखापट्टनम कोलकाता भुवनेश्वर रांची रायपुर कटक, तो इन 7 प्लेस में आपका टेस्ट का जो सेंटर होगा जो आपका एग्ज़ाम होगा इन 7 प्लेस पर आपका एग्ज़ाम होने वाली है। और बात करेंगे एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में, तो आपका जो पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर की सेफ्टी की जो प्रोसीजर फ़ी है वो आपका जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स को 700 रुपये देने होगी। और अगर आपका ST/SC PWD डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट है तो आपको इसमें फ़ी 200 रुपये लगे। और ऑपरेटर कम टेक्निकल बॉयलर ऑपरेटर माइनिंग फोरमैन सर्वेयर फायर ऑपरेटर ट्रेनी एंड ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की बात करें तो इसमें आपका जो जनरल OBC कैंडिडेट को 500 रुपये देने होंगे और SC/ST/PW वाले कैटेगरी को
₹150 देने होंगे। और माइनिंग मेट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर ट्रेनी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी HMB को यहाँ पर अगर जनरल OBC है तो ₹300 देने होंगे, और अगर SC ST PWD से है तो आपको ₹100 यहाँ फी दी जाएगी। और हाउ टू अप्लाई, आप इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसके अप्लाई करने के लिए आपको सेल के वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर आप सेल के वेबसाइट पर जाके इसे अप्लाई करें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आपका जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 6 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है, और जो क्लोजिंग डेट है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो कि लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2022 रहने वाली है। तो इस वैकेंसी के पूरी डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको इस वैकेंसी से और कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह के अपडेट्स और IT से रिलेटेड स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।